कोर्ट में हम महसूस करते हैं। लेकिन वर्दी की अपनी परंपरा होती है, उनके अपने संस्कार होने चाहिए। वर्दी पहने हर एक अधिकारी को, पुलिसकर्मी को मैं बात कह देना चाहता हूं, अगर वे अपनी अंतरात्मा की बात मानेंगे, सही और गलत की पहचान करेंगे, कोई वर्दी पहनने वाला आदमी कभी किसान पे हाथ नहीं उठा सकता। और आपको चेता देता हूं, ये पंचायत इसलिए बनाई गई कि आपकी आंखें खुल जाए तो लोग सरकार के ज्यादा नौकरी निभा रहे हैं। मैं भी देख लें, अगर आप किसान के साथ अन्याय करोगे, कोई किसान पे उंगली उठाएगा, सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को किसान की हाय लगेगी। हाय, ये नौजवान तो दूसरे मूड में आए हैं, ये छोड़ने वाले नहीं है किसी को। जैसे क्या कह रहे थे, ऐसी भाषा में लत्ते फाड़ देंगे। जो बनाना जानते हैं, निर्माण करना जानते हैं, देश को आजादी की लड़ाई में इन्होंने योगदान दिया, देश को बनाने का काम कर रहे हैं, पेट पालने का काम कर रहे हैं। और आज तो तिरंगा भी आपने दिखा दिया, ये भाजपाइयों को तो दूसरा झंडा थामना पड़ेगा, तिरंगा ना बचा। ये वो लोग हैं जो जब इन्होंने तिरंगा चलाया था, लड़ाई लड़ी थी, उनके हाथ में तिरंगा नहीं था, वह नहीं फहराते थे। और आज वे लोग आपको कह रहे हैं कि तुम लोग बागी हो गए, तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं बच रही। ये दलाल, ये झूठे लोग, ये कह रहे किसान आतंकवादी है, इन्हीं की मित्र मंडली के लोग हैं। मुंबई वाले बैठी हैं, कंगना रनौत, उनके तो नाम है ना। भाइयों, पहले उनकी फिल्म देखियो, माफ है, आगे उनकी एक पिक्चर मत देखना तुम, तो तुम्हें आतंकवादी बताती हो। और आपको पता है ये वही लोग हैं जो शहनशाह बैठे हैं दिल्ली में, उन्हीं की मित्र मंडली है, एक उन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है सारा, वही भाषा। कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जवाब किसका दे रहे हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय में कोई है जो कह रहा है किसानों के साथ बुरा हो रहा है, हम किसान के साथ क्या बुरी बात कह दी, किसको बुरी लगी, वो क्यों चोट लगी, उन्होंने के लिए आंदोलन रचा 15 साल की उम्र में, 2 बार नोबेल पुरस्कार में वो नामित की गई शख्सियत है बहुत बड़ी। जलवायु परिवर्तन की कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक होती है, वहां जाती है और कहती है भविष्य की पीढ़ियों को बचाना है तो इस पर्यावरण को बचाना है। कौन सी गलत बात कर दी उसने, देखिए आप सब नीचे बैठ जाए, अभी कार्यक्रम चलेगा।